जैसे डॉक्टर है कोई और प्रदेश का जाके वहां डॉक्टरी कर लग जा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बताओगा बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुआं सा उठा है, समझ लो डॉक्टर क्या बीमारी है। क्या करें? तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना बाजार घुमाने ले जा रहे हैं। सांझ ने घर छोड़ देंगे और तू कहे तो तेरे घर छोड़ देंगे। वो एक आदमी घंटा घर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था तो एक ने पूछे बोले घड़ी खराब हो गई थी के? बोले ना आंख कमजोर है टाइम देखने गया था। ये सवाल उल्टे हैं, फिर भी हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे देता, इसमें भी कोई शक नहीं। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है? अरे बोले जा, मैंने तो रोक रखा है। अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए मैं तो कहीं जाती दिखी। जवाब नहीं देगा वो। तो गांव में एक महिला के पेट में दर्द था बहुत, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा ऐसा कर शहर जाके एक्सरे करा ले। बोले एक्सरे क्यों हुआ? बोले दर्द का फोटो खिंचवा ले फोटो। शहर पहुंची, बड़े डॉक्टर के पास, बोले बहुत दर्द है पेट में, ये दर्द का फोटो खींच। बोले बहुत दर्द है तो पहले इंजेक्शन लगा देता हूं। बोले ना इंजेक्शन मत लगा दी, जब दर्द चला जाएगा तो फोटो किसका होगा। करा लो आप इलाज करा लो। डॉक्टर भी ऐसी, वो एक डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई, देखा कुछ ना नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जींस ही रंग छोड़ती है। अच्छा बड़ा घुमा के इलाज करते हैं जी, डायरेक्ट इलाज नहीं होता। वो एक मरीज पहुंचा डॉक्टर के पास, बोला बहुत खांसी है, डॉक्टर ने जुलाबी गोली दी थी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या गया जी, उसके तो खांसी थी आपने जुलाबी गोली दे दी। बोले कुछ नहीं साला, खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। ये इलाज हमारे यहां ही संभव है। वो एक भाई का मुकदमा चल रहा था तो भाई ने अपना वकील ले गया, बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूकता। अब जज भी समझ में नहीं आया, बोले भाई तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने लिए को वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लू। वो एक जज का ट्रांसफर हो गया हरियाणा में, तो उसी दिन प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा था, तो वकील बोला जी से प्रॉपर्टी मिल ही नहीं सकती, ये तो गैलनाड है। जज को समझ में नहीं आया, बोले भाई गैलनाड क्या होता है? वकील बोला भाई समझा तो दूं अगर पुरानी मान ले तो। बोले भाई समझाना तो पड़ेगा, मैं केस आके कैसे सुनूंगा? तो वकील बोला देख तेरा बाप मर जा। ये वकील जज से बात कर रहा है, देख तेरा बाप मर जा। जज बोला अच्छा, अब तेरी मां मेरे बाप के साथ आ जा और पाछे पाछे तू आ जा तो तू गैलर होगा। भाई ने अगले दिन ट्रांसफर करा लिया जी अपना। हमारे यहां तो काम वही कर सकता हूं, जवाब भी ऐसे ही मिलते हैं, सवाल भी ऐसे ही, उल्टा ही मामला रह जाता है। जवाब उल्टे देता है वो। मैं भी सोनीपत गया, मुझे एक पता ढूंढना था गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती, तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछ लिया, मैंने ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों साफ करेगा? पूछ लो पता। अच्छा गंदा नाला तो मैंने सुनते सुनते ढूंढ लिया और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई देगी, तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछे माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोले दीवार में सिर मार के देख ले।
जवाब नहीं देंगे। तो मैंने एक डॉक्टर और मरीज का संवाद सुना, वो तीन दिन पहले दवाई लिखवा के ले गया होगा डॉक्टर से, तो मिल गया तो डॉक्टर ने पूछा तबियत कैसी है, बोले जी पहले से भी खराब है। बोले दवाई ले ली थी, बोले हाँ जी केमिस्ट की दुकान से ले ली थी। अरे समझा नहीं, दवाई खाली थी, बोले नहीं जी वो तो भरी हुई थी। अरे भाई मेरा मतलब दवाई पी ली थी, बोले नहीं जी वो तो लाल थी। अरे समझा नहीं भाई, दवाई को पी लिया था, बोले नहीं जी पी लिया तो मुझे था।